कैसा लगा जी? में मंदिर भी बनाया हुआ, इतना खूबसूरत। अब रिवील करने जा रहा हूँ मैं ऐसी चीज जो आपने नहीं देखी होगी, देखो जरा। हाँ जी, कैसे हो जी सारे? सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये है एपिसोड 3 और हमारी सीरीज चल रही है 12 ज्योतिर्लिंग, 3 धाम और तिरुपति बालाजी हम दर्शन करने जा रहे हैं। 12,000 किलोमीटर कवर करेंगे हम इस सीरीज में। और अभी मैं आ चुका हूँ ऋषिकेश में, सामने देख लो, ये है हमारा राम झूला और इतना खूबसूरत लग रहा है। मैं स्पेशल शूट करने के लिए इस जगह पे आया, इतना मजेदार है ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स है ना। और आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, हम आए थे केदारनाथ से और ट्रैक करके आए थे 22 किलोमीटर का, भी देखो खड़ा भी नहीं होया जरा, पूरी बैंड बजी हुई, बट कोई बात नहीं। एनीवेज यार, आपको दिखानी है सीरीज अच्छे से तो थोड़ा बहुत चलता है, बाबा जी की कृपा, अपने आशीर्वाद मिलेगा, सब होता रहेगा। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से पहले चलते हैं न्यू योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और इस व्लॉग में आप काफी लोग बोल रहे थे कि यार ट्रेन जर्नी नहीं दिखाई, तो भाई ट्रेन जर्नी होने वाली है। और आज हम जाएंगे ऋषिकेश से वाराणसी, क्योंकि हमारा जो सेकंड ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, वहां जाएंगे और दर्शन करके आएंगे। और आपको ट्रेन जर्नी दिखाऊंगा इस व्लॉग में, और जो भी होगा जैसे भी होगा फेयर से लेकर। और ये जो ट्रेन है ना, काफी खास है, इसमें सुनने में आया काफी अलग चीजें हैं जो आपने आज तक पहले नहीं देखी होंगी। तो चलिए चलते हैं और करते हैं इस सीरीज के ब्लॉग एपिसोड 3 की शुरुआत। तो ट्रेन यात्रा स्टार्ट होने से पहले मैं आ गया हूँ, देख लो, गंगा जी के दर्शन करने और आप सबको भी दर्शन करवाने। तो देख लो यहाँ पर कितना फ्लो बहुत ज्यादा है अभी, क्योंकि आपको पता है बारिशें चल रही है, मानसून चल रहा है, तो काफी पानी ऊपर से आ रहा है। एक बार दर्शन कर लेते हैं। एक बार हो जाए बोल गंगे मैया की जय। लो ये जो रास्ता चला गया, ये देख लो, पुराना रेलवे स्टेशन इधर है और नया रेलवे स्टेशन जहाँ हम जा रहे हैं जी। फाइनली पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पे, न्यू रेलवे स्टेशन पे, और इतना खतरनाक भाई वेलकम हो रहा है लोगों का, मैंने तो आज तक इतना देखा नहीं भाई, ग्रैंड वेलकम। चलो अंदर चलते और आपको भाई वेलकम दिखाते हैं। देख लो पूरा ग्रैंड वेलकम हो रहा है सबका, और यहाँ पर बैलून्स लगाए हुए हैं। ये देख लो भाई, अभी से लोग नाचने लगे हैं। सर क्या हाल चाल, कैसे हो? मजा आ रहा है सर, अलग वाइब है, हमें बहुत ही मजा यार। यहाँ पर देखो सारे लोग आए हुए हैं, ढोल नगाड़ा और पूरा नाच गाना चल रहा है, यही फीलिंग्स होती है यार। जैसे आप एंटर करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर रिफ्रेशमेंट भी मिल रही है। अब ये तो पता नहीं इसमें क्या है, मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं है, बट ठीक है। भैया क्या है इसमें? इसमें है समोसा, कचौरी, लड्डू। अच्छा, तो ये चीजें मिलेंगी, थैंक यू, मैं नहीं खाऊंगा। बाकी आपको जूस भी मिल जाएगा, पानी भी मिल रहा है, अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है। अरे क्या हाल चाल, कैसे हो? सब बढ़िया, चल रहे हो साथ में सेकंड वाली में? हाँ दो, हाँ साथ में मजा आए। देखो जी अंदर आ चुका हूँ मैं, और अंदर रश देखो आप यार। तो ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको बताया ही है इतने जने हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी चेयर्स लगी हुई, आगे भी है पूरा, आपको पता है मीडिया का भी कॉन्फ्रेंस चलेगा। हाँ तो मैं आपको बता रहा था ना कि आज दो ट्रेन जाने वाली हैं, क्योंकि 1200 लोग के करीब जा रहे हैं। एक ट्रेन जाएगी उसका नाम है चित्रकूट, और एक ट्रेन जाएगी जिसका नाम है कैलाश। दो ट्रेन का नेम रखा हुआ है और हम ट्रैवल करेंगे कैलाश में, और वो लेकिन अभी आएगा 3:30-4 बजे नियर अबाउट है, और पहली जाएगी वो 1:30-2 बजे जाएगी, तो उसका पहले आपको डिपार्चर दिखाएंगे। और अभी हमारे बापूजी भी आने वाले हैं भाई, जैसे मैंने आपको बताया था आ चुकी है हमारी ट्रेन, पहली ट्रेन भारत गौरव, ट्रेन नंबर 00432। और देख लो रामकथा एक्सप्रेस स्पेशल बनाई गई है, पूरा डिजाइन किया गया है। और अब रिवील करने जा रहा हूँ मैं ऐसी चीज जो आपने नहीं देखी होगी, देखो जरा इस चीज को देखो आप, सोमनाथ, क्या बात है, बहुत ही खूब। बाकी मैं देख रहा हूँ इस जो ट्रेन में ना, मोस्ट ऑफ द जो कोचेस है ना वो 3rd AC के हैं, लेकिन ये है इकोनॉमी कोच, जो अंदर से है ना फुली AC तो रहेगी, बट ये 3rd AC इकोनॉमी कोच जो रेलवे में लगता है वो कोच लगा है इसमें।
बाकी अंदर से दिखाऊंगा, लेट्स सी देखते हैं क्या रहता है, डिफरेंस क्या है। बापूजी आ चुके हैं तो एक बार मैं आपको 360 से भी दिखा रहा हूँ और यहाँ से भी दिखा रहा हूँ, थोड़ा आगे देखो कितनी सिक्योरिटी है, लेकिन यार आपको दिखाऊंगा यार कैसे भी करके। तो ये आगे हैं जी बापू जी, जय गंगे मैया की, जय गंगे मैया की, जय केदारनाथ, जय। यात्रा शुरू हो रही है इस अवसर पर, इस भूमि को प्रणाम करते हुए, मां को प्रणाम करते हुए, उत्तर पूर्व और पश्चिम को अध्यात्म के द्वारा जोड़ने का एक पवित्र प्रयत्न है, पवित्र प्रयास है। मेरे साथ हम जितने यात्री ट्रेन से यात्रा करेंगे वो तो है ही, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम हमारा परिवार तो पूरी वसुधा, वसुधा ही नहीं त्रिभुवनी के परिवार को होता है। इन शब्दों में अपने स्मरण में अपने दिल में लेकर इस यात्रा का आरंभ कर रहा है। आप सबका हृदय का भाव, आप सबकी श्रद्धा को नमन करते हुए तो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है, बट वो मीडिया लोग कर रहे हैं रिकॉर्ड। आपको बता आपका भाई तो ब्लॉगिंग करता है, कैसा लग रहा है इसके साथ में? हमारे बहुत बढ़िया लग रहा है, जय सिया राम। मेरे को लगता भाई इतनी यात्रा की, बट ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है। इतना तगड़ा बहुत खतरनाक, और ये ट्रेन की लिवरी जो इन्होंने बनाई है ये नेक्स्ट लेवल बनाई हुई है। अब आपको एक बार थोड़ा सा इंटीरियर दिखा देता हूँ, चलो जी चलते अंदर। ओके भाई, बाहर इतनी गर्मी है और पूरा कोच पैक है, बट सोचा एक बार आपको इंटीरियर दिखाऊं, क्योंकि इधर मंदिर भी बनाया हुआ ट्रेन में। ये थर्ड एसी इकोनॉमी का ही कोच है, 3-3 का कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर साइड लोअर साइड अपर। जैसा मैंने आपको बताया, देखो ट्रेन में मंदिर भी बनाया हुआ, इतना खूबसूरत, यार क्या बात है। सुबह सुबह उठो और दर्शन करो, बहुत अच्छा लगा मुझे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी अंदर मैं रूम में आया हूँ, वीवीआईपी रूम में। यहाँ पर बापू जी बैठे हैं, तो सोचा एक बार आपको दिखा दूँ, दर्शन करवा दूँ, सब दर्शन कर लो। यहाँ पर अंदर अलाउड नहीं आना, तो मैं एक बार जाता हूँ दर्शन करके आता हूँ। तो सामने आ चुकी है भाई हमारी ट्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंड ट्रेन, दो ट्रेन जा रही हैं, और ये रही हमारी ट्रेन। ये भी कितनी सुंदर लग रही है, लिवरी सेम ही है बाहर से, लेकिन इसमें जो इंटीरियर है ना वो मोस्ट एक्सक्लूसिव, आई गेस आपने आज तक कभी भी कोई ट्रेन में नहीं देखा होगा। तो जी ट्रेन भी आ गई है और मैं दर्शन भी करके आ गया हूँ, बहुत अच्छा लगा। मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रहा था कि मेरे को दर्शन मिले, और यहाँ पर देख लो मुझे शॉल भी दिया यार। चलो लगेज लेकर आता हूँ, बढ़िया। तो देख लो जी अभी ट्रेन का आपको फटाफट से इंटीरियर दिखा देता हूँ, फिर लगेज लेकर आते हैं। ये हो गया इसका फर्स्ट एसी, तो अंदर चलेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये होता था कैबिन, आपको पता है मैंने ऑलरेडी ट्रैवल किया है, बिल्कुल सेम आपको मिलेगा। भजन चल रहे हैं इसके अंदर भाई, पूरा चिल्ड है। ये देख लो, ये हो गया लोअर अपर, लोअर अपर। अब मेरा कौन सा कोच है मुझे देखना पड़ेगा, सच्ची मुझे पता ही नहीं है, टाइम ही नहीं लगा है। इंटीरियर में तो ऐसा कुछ ही है, आपको पता ही है स्टेयर्स के लिए ऊपर जाने के लिए ये लगा हुआ है। हर एक सीट के लिए पानी बॉटल ऑलरेडी रखी हुई है, बहुत अच्छा लगा। डस्टबिन है इधर, वाटर बॉटल होल्डर हो गया, कर्टन्स लगे हुए हैं हर एक के लिए, टॉवल आपको पता है। और वही कोच है जो मैंने भारत गौरव में किया था, बट नहीं सुनते रहो देखते रहो आगे, क्योंकि आगे इसके अंदर काफी चीजें यूनिक डाली हुई है, वीआईपी ट्रीटमेंट, वो मैं आपको ट्रेन निकलने के बाद या आगे दिखाता रहूंगा, देखते रहो। पहले लगेज लेकर आते हैं, बहुत थक गया हूँ, भागे जा रहा हूँ सुबह से। वेदर देखो अभी बहुत गर्मी है इधर, लेकिन सामने पहाड़ों का जो नजारा,
है ना कमाल का। बाकी सब लोग बोर्ड कर रहे हैं ट्रेन को और आई एम नॉट श्योर, शायद मेरा A1 कोच है ये वाला है। तो चलते हैं भाई, आपको अपने कोच का इंटीरियर दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा कोच, क्या हाल है जी भाई साहब? भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है ना, इस बार को वेंचर, ध्यान रखिए, एक प्राइवेट कंपनी विद IRCTC इंडियन रेलवे। क्या बात है, अब तक जितनी जर्नी हाँ जी हमने की इंडियन रेलवे के संग, हाँ जी, इस टूर में कुछ अलग ही मजा आएगा। अब तक हम फर्स्ट एसी में, हाँ जी, इस बार सेकंड एसी। कौन सा अपना कोच ये? तो एक बार आ जाओ। अच्छा जी, सौम्य जी हमारे संग, भाभी जी नमस्कार, जय सिया राम। ये सही हुआ, पकड़ लिया, बदलाव है जी। बाकी यहाँ कॉपी राइट राज है, बस मुझे ये डर है क्योंकि आजकल कॉपी राइट स्ट्राइक बहुत लोग मार रहे हैं। हाँ जी, अगर आपके पीछे बात करने लगे, आपकी पीठ के पीछे, मतलब आप तरक्की कर रहे हैं, सही सुना। तो इसका आपको इंटीरियर ट्रेन निकलेगी तब अच्छे से दिखा देंगे, आराम से दिखाएंगे, बहुत तगड़ी। और इसमें स्पेशल चीजें भी हैं, डाइनिंग कार है, सलून है, हाँ वो चीज आपको दिखाएंगे। स्टार्ट कर दी गई है, जय श्री राम। तो जैसे अभी अनाउंसमेंट हुई है कि लंच की सर्विस स्टार्ट कर दिया, भाई लंच अभी तो भाई खाया है मैंने, तो एक रोटी खा ली थी बस। दिखा देंगे फिर भी जाकर, जैसा भी होगा दिखा देंगे। और देखते हैं, जब पहले हमने भारत गौरव में ट्रैवल किया था और इसके मतलब जो फूड की, तो मैं फैन हूँ इस ट्रेन का, फूड चेक करेंगे दोबारा क्योंकि फूड तो इतना बढ़िया मिलता है ना इस गाड़ी में। बाकी ऐसा कुछ है, देखो हम आराम से चिल बैठे। ये सेकंड एसी में ट्रैवल करना था, सही है, पिछली बार फर्स्ट एसी आपको दिखाया, आप सेकंड एसी दिखाएंगे। लेकिन बहुत कुछ नहीं है और इसमें कई कोच नए लगे हैं ना, विस्टा डोम भी स्पेशल बनाया हुआ है, वो भी आपको अगले आगे देखते रहना, अभी तो सीरीज की शुरुआत हुई है। बापू जी हमारे साथ चल रहे हैं, अरे मजा आएगा पूरी ट्रेन में साथ में। जी लगेज मैंने अंदर रख दिया है और अभी टाइम हुआ है, 4 बज चुके हैं। वैसे टाइम जो बताया गया था हमें वो 3:55 का बताया गया था, अब लेट्स सी देखते हैं कितने बजे ट्रेन निकलती है। और आपको मैं बता दूं, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो ना, तो भाई आपका भाई थोड़ा सा दिखाएगा आपको रेल फैनिंग भी, जैसा भी होगा। और हरिद्वार होकर जाएंगे, शायद ट्रेन नहीं रुकने वाली, एक ही हॉल्ट दिया गया है वो है लखनऊ, और रात में शायद 1:30-2 बजे के करीब आएगा। तो जैसा भी होगा भाई कवर करेंगे बढ़िया से, जो भी हरिद्वार से देख रहे भाई ब्लॉग पूरा देखते रहना, आपको भाई दर्शन भी कराएंगे गंगा जी के। क्या हाल है भाई जी? ठीक हो? और सुनाओ, ठीक ठाक हो? पूरा टिप टॉप लग रहे हो। जय श्री राम जी। भाई जी आ चुके हमारे, मजा आ गया यार, अब दिल खुश हो गया मेरा। चलो जी बाय बाय, मिलते हैं फाइनली। तो ट्रेन देख लो भाई, 4:07 हो चुके हैं और फाइनली हम निकल चुके हैं। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि अब 11 ज्योतिर्लिंग की यात्रा आपको देखने को मिलेगी इस ट्रेन से। एक ज्योतिर्लिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया वहां तो ट्रेन नहीं जाती। और 12 ज्योतिर्लिंग, 3 धाम, तिरुपति बालाजी के दर्शन आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस ट्रेन से। चलो जी टाटा बाय बाय। देख लो वापस से आ चुका हूँ मैं, आपको पता है आपने भारत गौरव की सीरीज मेरी ऑलरेडी 2 बार देखी हुई है। ये लग्जूरियस डाइनिंग कार है, तो ऑलरेडी इंटीरियर तो मैंने दिखाया, वो मैं नहीं दिखाऊंगा। अगर आपको देखना है तो फिर भी देख लें, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यहाँ पर सर लोग हैं सब, कैसा लगा खाना, कैसा लगा आपको? खाना अच्छा लगा? नहीं मिलेगा इसमें, यही है प्याज लहसुन नहीं मिलेगा। और आपको ये फील कैसा लगा डाइनिंग ऑन द व्हील्स, चलती ट्रेन में हमें ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है? महाराजा कोच का है। हाँ जी जी, थोड़ा आ रहा है ना, आपको कैसा लगा जी? क्या बात है, क्या बात है। चलो आप एंजॉय करो यार, काफी लोग बैठे हैं और जितना भी मैंने देखा ना सबको अच्छा ही लग रहा है अभी तक काफी। मेरा लंच करेगा? मैंने तो लंच करने का मन नहीं है। चल लेट्स सी, एक प्लेट लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं और टेस्ट कर लेते हैं। चलो एक प्लेट में एक रोटी ले लेते हैं, ठीक है? हम भी बैठ गए यहाँ पर, एक ही प्लेट ली है, थोड़ा सा भोजन लेंगे और आपको बता देंगे कि पहले जैसा ही खाना मिल रहा है या कुछ चेंजेस है। बाकी अभी हरिद्वार आने वाले हैं थोड़ी देर में, यहाँ पर आ चुके हैं लंच। लंच में पनीर की सब्जी है, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस बस थोड़ा सा डाल दो इधर हल्का सा, ये मिक्स वेज हो गया और पनीर डाल देना थोड़ा सा बस। तो टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा इसका टेस्ट। पनीर की सब्जी देखते हैं भाई, वही टेस्ट है, वही है, देखूंगा अगर एंट्री मिलेगी तो आपको दिखाऊंगा भाई। ये ले खाना, दाल भी देखते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट। मैंने आपको बताया था ना इस ट्रेन के खाने के लिए भाई मैं वापस से बोर्ड कर सकता हूँ और आ गए हैं, बढ़िया था खाना, तो बहुत बढ़िया है। लंच कर लिया है, लंच में से मेरा मन नहीं था ज़्यादा करने का क्योंकि आपको पता है मेरे को आपको दर्शन करवाने यहाँ पर गंगा जी के, हरिद्वार से आने वाला है, टनल भी आती है बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से हम भीमकोड़ा कहते हैं ना शायद, उसके बहुत पास से हम निकलेंगे, तो यहाँ से आपको नज़ारा दिखाएंगे बढ़िया।
तो देख लो जी, हरिद्वार आ चुके हैं और ये जो रोड जा रही है ना, ये गंगा जी को जा रही है, हर की पौड़ी को, और ये आ चुका है टनल। तो आप देख रहे हो यार, स्मॉग देख रहे हो, पूरा धुआं धुआं। एसके क्या हाल चाल, ठीक है? एक बार हो जाए हर हर गंगे। तो पहुंच चुके हैं जी हरिद्वार में, और वैसे ऑफिशियली कोई स्टॉप नहीं था। क्या हुआ भाई, काफी लोग देखने के लिए आए हैं इस ट्रेन को, और यहाँ पर ऑफिशियली स्टॉप नहीं था, बट रोका गया है हमारे को। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो आपको पता यार, माँ गंगे जी के दर्शन जरूर करके आए, हर की पौड़ी जरूर जाकर आए। अभी इस बार टाइम नहीं मिला, मतलब आए थे लेट, लेकिन मैं ऋषिकेश शुरुआत करके आया हूँ, वहां से जहाँ से गंगा जी आ रही है उधर से। मजा बहुत आ रहा है, लंच हमने कर लिया, लंच बहुत ही बढ़िया था। टेस्ट एज ऑलवेज इस ट्रेन का खाना पीना बहुत ही बढ़िया रहता है। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए, इस ट्रेन में आपको लहसुन प्याज कुछ नहीं मिलता। अगर आपको जैन फूड खाना पसंद करते हैं तो आपको वो भी मिलेगा, मतलब वही मिलेगा ना, और तो कुछ मिलने वाला। सात्विक भोजन रहता है, ज्यादा स्पाइसी नहीं रहता, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी ठीक है, चलते हैं अंदर, गर्मी तो भी बहुत ज्यादा इधर की यार। मेरे को अब थोड़ा सा दुख हो गया, मेरे को भाई जी, हमारे ललित भाई जी अब जा रहे हैं दूसरी गाड़ी में। कहाँ जा रहे हो, कौन सी गाड़ी? गोरखपुर सात ज्योतिर्लिंग यात्रा। अच्छा, वो भी खुल रही है। तो यार मेरा अब थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि अपने जो लोग मिलते हैं इनके साथ बहुत प्रेम प्यार है, अपने लोग मिलते हैं तो यार यात्रा थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। बिल्कुल यार, मूड तो खराब कर दिया बेटा, फिर मिलते रहेंगे पक्का ना। चलो यार, अब 18 दिन काटना थोड़ा हो जाता है, समझो इस चीज को, क्योंकि जो अपने लोग होते हैं ना भाई, एक अपनापन रहता है, 18 दिन घर से दूर रहना, और हमारे रहना कहीं है, और मैं भी रहना गया भाई साहब। चलो कोई नहीं यार, ध्यान रखो अपना, ठीक है? ओके भाई जी, बाय बाय। तो भाई 5 मिनट का स्टॉप था सिर्फ, और निकल चुके हैं हम हरिद्वार से। तो देख लो, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा मैप, ये लक्सर निकल चुका है। इसका जो रूट रहेगा ना, हम कट चुके हैं हरिद्वार से डायरेक्ट मुरादाबाद वाली लाइन पे, और मुरादाबाद से फिर आपको पता ही वही बरेली, बरेली से हम निकल जाएंगे लखनऊ होते हुए। तो लीजिए भाई साहब, सब कर लो दर्शन गंगा जी के, और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गंगे, हर हर गंगे। और ये देख लो, ये रह गया उत्तराखंड, और अब हम एंटर हो चुके हैं यूपी में। देख रहे हो कितना सुंदर है, अब यूपी में आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में जी। तो जैसे आपको पता ही है, सेकंड एसी में ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ चीजें आपको मिलती हैं। वैसे मैंने पहले भी सीरीज बनाई थी तो बताया था, फुट मसाजर मिल जाते हैं, एक बार दिखाओ। अब वो पता ही है, हम केदारनाथ जी की यात्रा करके आए हैं, तो पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो थोड़ा मूव लगा के बैठा हूं मैं। और यहाँ पर आपको मिनी लाइब्रेरी टाइप मिल जाएगी, देखो एक बार इसके दिखाया हो जाकर। तो यहाँ पर जैसे कि आपको एक बार लगेज रखा हुआ है, तो इसलिए आपको खोल के नहीं दिखा पाएंगे, बट कोई बात नहीं, जैसे आगे होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये मेरी चादर है खुद की, तो मैंने मूव लगाई हुई, तो आराम से यहाँ पर बैठा हूँ, मसाजर ले रहे हैं, 20-15 मिनट लेंगे आराम से। सनसेट देखो कितना खूबसूरत हो रहा है, आपको पता नहीं है, जब इंडियन रेलवे से हम ट्रैवल करते हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीजें अपने दिन को बहुत ही खूबसूरत बना देती है। स्पेशल मैं इस चीज को कवर करने के लिए आया हूँ, ये देखो आप। सो टाइम हो गया, 7 बज चुके हैं, और अभी हमें देख लो इतना खूबसूरत बैग मिला है टीम की तरफ। मैं बता देता हूँ, ये ISCTC के अलावा जो इनकी संस्था है ना, वो भी इन्होंने बैग दिया, कितना खूबसूरत बैग लग रहा है ना। तो बैग के अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिला साथ में। तो बैग के अंदर ये है देख लो, एक तो हो गया आई गेस बुकलेट टाइप ऑफ, और ये हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये तो मैं संभाल के रखूंगा, इसको खराब नहीं करूंगा। एंड और भी बहुत कुछ मिला है, ये है बैंड, इसमें क्या लिखा है एक बार मैं दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, मैं रील बनाऊंगा, रील में आप सब कुछ देख लेना। साथ में हमें मिला पेन, पेन के साथ एक ही बैच मिला है, तो ये हम टी शर्ट पे लगा सकते हैं विद। आपको ये कैप भी मिली है, अरे क्या बात है। तो मैं ये वाली कैप वाली उतार के अब ये वाली भी पहनेंगे, कैप ये भी अच्छा लगेगा। और भी कुछ है, अरे पेन तो और बहुत सारे हैं यार, तो बहुत अच्छी चीजें मिली है, ये तो मैं संभाल के रखूंगा अपने। आपको पता है यार, ये फीलिंग भी होती है नेक्स्ट लेवल। अच्छा, काफी लोग मेरे को बोल रहे थे कि यार इसका प्राइस क्या, अगर हम यात्रा में ट्रैवल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखो बुकिंग ऑलरेडी क्लोज्ड है, सब कुछ पैक है, और हम ट्रैवल कर रहे हैं एज ए इन्फ्लुएंसर, हमें इन्वाइट किया गया था। काफी लोगों को मेल भेजी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन इनको सिर्फ 2 इन्फ्लुएंसर को इन्होंने इन्वाइट करना था, मतलब 2 ही सीट थी, मुझे सिलेक्ट किया और साथ में डोरेश भाई को, 2 जनों को सिलेक्ट किया था। भाई ये देख लो, ये तो कृपा हुई है बाबा जी की, भी हम साथ में ट्रैवल कर रहे हैं और ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, और आपको मेरे थ्रू वर्चुअली आपको शेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, साथ में
तीन धाम की यात्रा, तिरुपति बालाजी भी जाएंगे। तो ये चीजें होती है भाई, इसको संभाल के रखते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, गोल्डन गोल्डन, और मुरादाबाद आ चुका है। हाँ जी, जो जी पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन मुरादाबाद में, और यहाँ पर वैसे एक्चुअल कोई स्टॉप नहीं था, बट आपको पता ही है काफी ट्रेन आगे पीछे चलती हैं, और मुरादाबाद इज वेरी फेमस फॉर ब्रास वर्क, ब्रास के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और आपको पता ही होगा खाने पीने की अगर बात करें, मुरादाबाद की दाल ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी मैं बता दूं, इवनिंग स्नैक्स सब होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो चलते हैं अब इधर से इवनिंग स्नैक्स इंजॉय करके आते हैं, देखते हैं क्या क्या मिला है। थोड़ा सा लाइट ही रखेंगे, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके आपको सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि इतने दिन ट्रैवल करना, और वैसे ही मैंने स्पाइसी ऑयली बिल्कुल अभी बंद किया हुआ है, तो मैं नहीं चाहता भी इतनी प्रॉब्लम हो, किसी को प्रॉब्लम दे। 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हम निकल चुके हैं मुरादाबाद से, भाई हम आ चुके हैं इवनिंग स्नैक्स के लिए। ये दूसरा डाइनिंग कार है, इसमें 2 डाइनिंग कार लगे हुए हैं, एक उधर, उसके बीच में मिलेगा आपको पेंट्री कार, मतलब जो किचन, और ये हो गया हमारा डाइनिंग कार। अब बैठते हैं क्योंकि यहाँ हमारे भाई जी ने बुलाया। कौन से भाई जी, मिलवाता हूँ आपको भाई, आला हजरत क्रॉसिंग हो रही है, आला हजरत की गई चली। देख लो आ चुका भाई हमारा इवनिंग स्नैक्स, और इवनिंग स्नैक्स में ये दिया कैश्यू, ठीक है, साथ में ये पकौड़ा टाइप और कटलेट टाइप कुछ दिया है। बट ये देखो खास चीज, देखो ऑयली ज्यादा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये हो गया केक, केचप, तो टेस्ट में तो यही है, रश बहुत ज्यादा है, तो आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी। गर्मा गर्म है बिल्कुल भाई, ओए खा के देख, बहुत ही बढ़िया बने यार। आलू का ये, और इसमें प्याज तो आपको पता नहीं रहता नहीं है। अभी हमें ना आपको जैसे दिखाया था बैग में मिला था, बैग के साथ ये टी शर्ट मिली है, और ये भी बहुत प्रीमियम क्लास की लग रही है। अब पता नहीं कौन से ब्रांड की है, बट यार इसको तो रखेंगे, इसको पहनेंगे भी इस ट्रिप में, पक्का से पहनेंगे। कुछ लिखा भी हुआ है, वो आप देख लें, राम लिखा हुआ ना, आई गेस यस, तो आपको वो नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं बरेली को, और मैंने सोचा था कि भाई बरेली को हम लूप लाइन पे लगेंगे, बट नहीं, सिग्नल हो चुका है ग्रीन, इट मीन्स भाई भागने वाली गाड़ी हमारी। चलिए जी बरेली से अब निकलते हैं, और अरे नेशनल फ्लैग कितना सुंदर लग रहा है अपना पीछे। चलो बाय बाय बरेली वालों। 10:46 हो चुके हैं, और आ चुके हैं डिनर के लिए, बट भाई जी डिनर कर चुके हैं। कैसा लगा जी खाना? मस्त, एकदम मजा आ रहा है ना? मैं तो सच बोलता हूँ, जब भी मैं यहाँ आता हूँ ना, वो पुराने दिन याद आ जाते हैं, है ना। लंच किया ना, तब मेरे को स्वाद वैसा ही लगा। हाँ। तो मैं भाग के कहाँ गया, मैं गया सिर्फ किचन में। हाँ। मैं भाई जी का हाथ दिखाओ कौन है, वही है, वही थे वो। उसके बाद मैकडॉनल्ड्स के कॉपी राइट है, सही कह रहे हो, मुझे कह रहे आओ सर कुछ शूट करो, मैं कह निकल करेंगे अलग ब्लॉग में। बट आप देखो स्टार कितना हम यार, इतने ज्यादा जने आज ऑन बोर्ड है, फिर भी कितना पेशेंस से इनको मैनेज करना पड़ता है। और एक और एक के बाद एक और चीज बता दीजिए, थर्ड एसी के दो कोच है। हाँ जी, जो खाने पीने की सर्विंग है वो उनकी यहाँ नहीं है। अच्छा, जो स्टाफ है उनको खाना वहाँ जाके सर्व। हाँ, तभी देख रहा हूँ कोच में सब लोग जा रहे हैं लेकर। वही टेस्ट, सब कुछ बढ़िया। आज पनीर से ज्यादा मुझे ये जो ड्राई की सब्जी है ना, ये बहुत बढ़िया लगी, मजा आ गया। चलो यार मैं अपना डिनर कम्प्लीट करता हूँ, दाल सब्जी सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा लिया जी। तो गाइस डिनर कर लिया है, और डिनर करके आ चुके थे, 1 घंटा हो गया, 12 बज चुके हैं। डिनर एज ऑलवेज आपको पता है इस ट्रेन का खाना बहुत बढ़िया होता है। शेफ साहब से मिल के आया, मुझे ना हाथों का टेस्ट पता लगा, मैं कहा जाकर दाऊँ किचन में, जब जाकर आया तो वही थे। तो अब ऐसे ही बैठे हैं, आराम से चिल कर रहे हैं, थोड़ा सा मसाज ले रहे हैं, अब सोते हैं थोड़ी देर बाद, आपको मिलता हूँ सुबह। कितने बजे पहुँचेगी? 6 बजे ना, 6 बजे हाँ, बनारस में नहीं पहुँचेगी, वाराणसी स्टेशन पर 2 ट्रेन चली थी ना, एक पहुंचेगी बनारस में जिसको मड़ुवाड़ी कहते हैं, और एक वाराणसी में, हमारी वाराणसी में पहुंचेगी सुबह 6 बजे, वो आपको मिलते हैं सीधा सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो यार अभी देखो टाइम हो गया 6:11, और अभी आई गेस 5 मिनट में आने वाला है वाराणसी स्टेशन, बट उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना कोई क्रॉसिंग देख लें आप सबके लिए। और वैसे मैं बता दूं, अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो फर्स्ट एसी सेकंड एसी में तो आपको बहुत जर्नी सिखाई है, कम्फर्ट वाइज सेकेंड एसी भी अच्छा ही होता है। जी
फाइनली पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पे, आज की फर्स्ट वाराणसी स्टेशन पे। और मैं बता दूं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पूरा जश्न का माहौल चल रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद है तो भाई लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री राम जरूर लिख देना। चैनल पे नहीं मुझे पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मैं बता दूं, अगर आपको लाइव कथा देखनी है ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पर फोटो आ रही होगी, उसके हिसाब से आप लाइव कथा देख सकते हैं। सांस चढ़ता है जब भागते बहुत है। चलिए आपको मिलूंगा भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।